दोस्तों, गिरगिट छिपकली के परिवार से संबंध रखते हैं, जो कि पूरी दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन गिरगिटों को पालतू जानवर के रूप में भी पाला जाता है, जो कि बहुत ही आम बात है। अगर बात करें इनकी खासियत की, तो इन गिरगिटों के पास रंग बदलने की काबिलियत होती है, जिसे हम सभी बखूबी जानते हैं। ये गिरगिट जगह और परिस्थितियों के हिसाब से बड़े शानदार तरीके से अपना रंग बदल लेते हैं। अगर बात करें इनके आकार की, तो नर मादाओं के मुकाबले बहुत बड़े होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 17 इंच तक होती है, जो प्रजातियों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए कई प्रजातियों में इनकी लंबाई 22 इंच तक भी देखी गई है। और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 150 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गिरगिट का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गिरगिट का वजन 140 से 180 ग्राम के बीच होता है, और इस मामले में भी मादा नर के मुकाबले थोड़ी कम वजनदार होती है। एक मादा का वजन लगभग 60 से 100 ग्राम के बीच होता है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो इस मामले में भी नर मादाओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इनके रूप में बहुत सारे चमकीले रंग शामिल होते हैं, जिसमें लाल, पीले, हरे, नीले आदि रंग शामिल होते हैं, और वहीं मादा सिर्फ सामान्य रंग की होती है। दोस्तों, इसके रंगों की बात करें, तो इसके अलग अलग रंग इसके अलग अलग स्वभाव को दर्शाते हैं। जैसे पीला रंग इसके गुस्से को दर्शाता है, और हरा रंग इसकी शांति को दर्शाता है, और नीला रंग ये बताता है कि ये किसी मादा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से रंग हैं, जो इसके अलग अलग स्वभाव को दर्शाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनकी आंखें बहुत ही कमाल की होती है, जो एक वक्त पर दो अलग अलग दिशाओं में आगे पीछे ऊपर नीचे आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी आंखों में कमाल का प्राकृतिक लेंस होता है, जिसके कारण ये किसी भी चीज़ पर फोकस करके उसे बहुत ही साफ साफ आसानी से देख सकते हैं। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो ये काफ़ी ऊंचाई से भी ज़मीन पर पड़ी छोटी सुई को आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही इनके पास एक लंबी और लचीली पूंछ होती है, जिसे ये अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी मोड़ लेते हैं। इनके पंजे काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से कहीं भी चढ़ उतर सकते हैं। इन गिरगिट के पास एक बड़ा सिर होता है, जो बिल्कुल किसी हेलमेट की तरह होता है। इसके साथ ही इसके पास एक लंबी और चिपचिपी जीभ होती है, जिससे ये अपने शिकार को बड़ी आसानी से एक झटके में पकड़ लेते हैं। ये गिरगिट पेड़ों के निवासी होते हैं, और ये पेड़ पौधों की शाखाओं, झाड़ियों और छोटे मोटे कीड़ों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। ये गिरगिट अपने जीवन का अधिकांश समय अकेले रहकर बिताते हैं, और ये सिर्फ मिलन के समय ही अपने साथी के साथ अपना समय बिताते हैं। तो चलिए अब इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। आपको बता दूं
कि मादा के गर्भावस्था का समय 3 से 6 हफ्तों का होता है, जिसके बाद मादा अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करती है। और जैसे ही उसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद वो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपना घोंसला बना रही है। तो जैसे ही ये अपना घोंसला बना लेती है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने अंडे दे रही है। आपको बता दूं कि ये एक बार में 10 से 40 अंडे दे सकती है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। और इनके अंडों का आकार भी प्रजातियों के आधार पर छोटा बड़ा हो सकता है। कुछ गिरगिट की प्रजातियां होती है जो अंडे नहीं बल्कि सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये एक बार में 20 से 25 बच्चों को जन्म दे देते हैं, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये अपने अंडों को घोंसले में ही दबा देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। और उसके बाद वो उन अंडों को उसी हाल पर छोड़कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अंडे हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्तनधारी जीव हैं जिनकी नज़रें ऐसे घोंसलों की तलाश करती हैं। और अगर उन्हें घोंसलों का पता चल जाता है, उसके बाद उसमें मौजूद अंडे इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। और अगर ये अंडे उन शिकारियों के नज़रों से बच जाते हैं, तो लगभग 200 से 250 दिनों बाद इनसे बच्चे निकलने शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे निकल रहे हैं। दोस्तों, शायद ही आपने इससे पहले ऐसा कोई नज़ारा देखा होगा। तो जैसे ही ये सारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं या फिर इनका जन्म हो जाता है, उसके बाद ये अपने ज़िंदगी के सफ़र पर अकेले निकल पड़ते हैं और फिर ये जंगल में मौजूद छोटे मोटे कीड़ों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, जिसमें झींगूर, टिड्डे और दूसरे छोटे कीड़े शामिल होते हैं। लेकिन इस दौरान जब ये छोटे होते हैं, तो इन्हें बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सांप, पक्षी, बंदर और दूसरे शिकारी जीव शामिल होते हैं, जिनसे बचकर इन्हें अपनी ज़िंदगी हासिल करनी होती है। और इस तरह ये 3 से 12 महीनों के अंदर पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके बाद ये मिलन करने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इन गिरगिट का जीवन काल 7 से 10 वर्षों का होता है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये गिरगिट ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जंगलों में बहुत से शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, जिसके कारण ये सिर्फ 1 से 2 वर्षों तक ही जीवित रह पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।